नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर, उत्साहित कर देने वाली खबर निकल कर आ रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और बहुत से पड़ोसी देशों ने भारत से बड़ी मदद की मांग की है और भारत ने ये बड़ी मदद इन देशों को पहुंचानी शुरू भी कर दी है। और इंडियन ओशियन रीजन को, यानी कि हिंद महासागर को, एक अभेद किले के रूप में भारत तैयार कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मदद इन देशों ने मांगी है और कैसे हिंद महासागर एक अभेद किला बनेगा जिसमें कि चीन का घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें आए दिन लगातार ये खबरें देखने को सुनने को मिलती रहती हैं कि कोई फला चीनी सबमरीन हिंद महासागर में स्पॉट की गई, कोई चीनी जहाज श्रीलंका में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इसके साथ ना ही जाने क्या क्या चीन यहाँ पर करता रहता है, लेकिन अब भारत ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत हिंद महासागर के क्षेत्र को, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन को, एक अभेद किले के रूप में तैयार कर रहा है जिसमें कि चीन का घुसना लगभग नामुमकिन होने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन से आ रही इस समस्या का सामना सिर्फ भारत कर रहा है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे लगभग सभी मित्र देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इसी को लेकर इन देशों ने भारत से मदद की मांग की है। इन देशों में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, साइचिलिस और मॉरिशस भी शामिल है। अभी यहाँ पर भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन सभी देशों में कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये फैसला प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए, इसी के साथ ही चाइना की जो इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ रही है उसे काउंटर करने के लिए, और इसी के साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मित्र देशों से हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो, इसलिए भारत ने यह कदम उठाया है। अब जब भी भारत ऐसा कदम उठाता है तो बहुत से लोगों को शिकायत ये रहती है कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि जमीन पर लागू करने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि साइचिलिस, श्रीलंका और मॉरिशस में भारत ने ये रडार सिस्टम ऑलरेडी सेटअप कर दिए हैं और इसी के साथ ही साथ आने वाले समय में बहुत जल्द बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स में भी ये कोस्टल रडार सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में ये काम एडवांस स्टेजेस में चल रहा है। इसी के साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ऐसे कम से कम 12 देश हैं जिन्होंने इस तरह की मदद की मांग की है। दोस्तों, ये रडार सिस्टम समुद्र में आ रहे किसी भी वेसल, शिप, छोटी बोट्स और साथ ही साथ किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत भी काफी समय से इस तरह के कदम की आस में था क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसी के साथ ही कुछ समय पहले ही भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर सबमरीन सौंपी है। दोस्तों, ये म्यांमार की नेवी की पहली सबमरीन है। भारत ने म्यांमार में CTV पोर्ट भी बनाया है जो कि कालादान ट्रांजिट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता को म्यांमार से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, भारत का ये कदम भारत के सागर प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है। सागर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हमारे पड़ोस में जितने भी हमारे मित्र देश हैं उनकी हम ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ये इस प्रोजेक्ट के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ ही हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 75% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है और इस क्षेत्र में भारत एक मजबूत पकड़ बनाए यह भारत के लिए बहुत ही बड़े फायदे का सौदा है। हालांकि इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी मजबूत तो है, लेकिन पिछले कुछ समय से चीन की पकड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। तो इसी को देखते हुए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है जो कि बहुत ही अच्छा कदम कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।